भाषा चीज का काम ना, भाषा तो भाषा से काम का सर ना ना भाषा तो भाषा चलो करो करो जाओ हैं भी छोटे बच्चे ना सर। सो जी गुड मॉर्निंग सभी को, और अगले दिन की शुरुआत हो गई है श्रीनगर में, और मौसम वाकई बहुत बढ़िया है। और ऐसा है कि कल जो थे बड़े लोग हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ पर रेस्ट मोड में थे, और आज उनको लेके जाएंगे डल लेक, उसके आसपास के लिए घुमाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे मौसम जो है थोड़ा सा हो गया ठंडा, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े जो हैं वो थोड़े से चेंज कर ले जाएं ऊपर वाले, हमें ठंड ठुंड लगी थी, मुश्किल हो रहा था। तो ब्रेकफास्ट सभी का हो गया है, ब्रेकफास्ट वाकई बहुत बढ़िया था, चाहे मैं बात करूँ कॉन्टिनेंटल की, नॉर्थ इंडियन की या साउथ इंडियन की। और अभी ये कि सभी फ़िलहाल जो घर वाले हैं रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, और मौसम जो है बहुत ठंडा हो गया, बारिश पड़ रही है इस वक्त। और मम्मी को यह है कि थोड़ा सा उनको राउंड लगवाएँ, पीछे वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, इनकी जो पीछे वाला एरिया है, तो वो एक बारी मम्मी को दिखाते हैं। किचन ले इधर, वो सामने जिम है और स्विमिंग पूल, वो सारा बच्चों का एरिया, इतने वेडिंग्स भी होती हैं। नाशपाती, नाशपाती है। हाँ, नाशपाती है। शेप ना पकी नहीं है, ये पकनी है, कच्ची है, कच्ची है, कच्ची है, पकने के मौसम आना है एक दो महीने तक, काफी लगी हुई है। अच्छा भी जिम में क्या जिम में ये जो तुसी इतने रहने हो तो इस चीज को यूज कर सकते हो। ये ले, कोई बात नहीं हो जाएगा, चलो इसको पहले साइड तो करना है, तो साइड करना है इसको पहले, ये पता नहीं छोटा है बड़ा, ये मेरे हाइट का ही है ना है? ये मेरे हाइट का, ये है ये आपकी हाइट का। मामू ये चलाएंगे, आप वो चलाएंगे। अरे भाई ये नीचे गिरती है। हैं नीचे गिरती है, जा बैठो तो सही, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बैठो बैठो कोई बात नहीं। मैंने देर से साइकिल नहीं चलाई है, भूल तो नहीं गई, मजा आती है वैसे, लेकिन मुझे पहले साइकिल बड़े अच्छे से चलाती थी। वो वाला चला दे, कभी भी नहीं मैं साइकिल चलाने चली। हेलो ऑडियंस, राम मामू आज मुझे साइकिल में ले जा रहे हैं बारिश में। Cause I'm a weatherman. Oh my, thunder strike. Ride out the storm, I'm a weatherman. Oh my, breaking light. Shake up the world, I'm a weatherman. Oh yeah.
अरे उतर तो सही, ये मैं सिर्फ साफ करने आया था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा मैच चल रहा है। मैं अब आपको स्टेट प्लेयर, जे एन के स्टेट प्लेयर की गेम प्ले दिखाता हूँ, स्टेट प्लेयर चैंपियन। आप भी तो भागो। मैं भाग रही हूँ। ये गोल्ड मेडल है स्टेट जे एन के स्टेट की बैडमिंटन की, चार गोल्ड मेडल मिले उसको। गुड, गैप भी पूरा छोड़ दी। आप बैडमिंटन कोर्ट से टेबल टेनिस बॉल आ रही है, बहुत गलत है। कहाँ पे है वो? करो आप पास लो, पास लो, हाथ में अपने पास। आ गया सो लो जी, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी का नाम आप जानते हैं कि ऑर्चर्ड रिजॉर्ट एंड स्पा है। तो रूम्स भी, ये भी हमने किसी के थ्रू मैनेजमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करके ही बुक करवाए थे, और हमें जो है चार रूम चाहिए थे, तो इसलिए ऑनलाइन ऑलमोस्ट हमें हर प्रॉपर्टी में सोल्ड आउट ही दिखा रहा था, और हमने एक महीने पहले बुकिंग करवाई थी, तो उसके कारण कॉस्टिंग भी हमें कुछ उस हिसाब से पड़ी है। और अगर मैं बात करूँ तुम्हारी चार कॉटेजेस यहाँ पे, एक ये है, दो ये हैं और एक वो है जो पीछे दिख रही है आपको, तो इनकी जो पर नाइट हमें पड़ी है विद एक्स्ट्रा बेडिंग वो पड़ी है 17,000 पर नाइट एक कॉटेज का, और हमने ये भी टू नाइट्स के लिए बुक करवाया, और इसके साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट जो है इंक्लूडेड है एंड टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो जी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हो गया, ये तेज़ बारिश के कारण डल लेक नहीं जा पा रहे इस वक्त हम, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अभी फ़िलहाल ये है कि लंच भी अभी हम अपने होटल में कर रहे हैं, और उसके बाद बारिश रुकती है फिर हम आगे प्रोग्राम बनाते हैं बड़ों अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डल लेक की ओर जाने। वो मेरा फ़ोन मेरी जाओ पकड़ में फ़ोन। सो लो जी, एक डेयरिंग काम करने जा रहे हैं कि भरी बारिश में स्विमिंग करने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, हम लग क्या रहे हैं। वो पहले पुतला बैठे होते कितने है, दूसरा दूजा होते पता नहीं कमरे बढ़िया है, कमरे बढ़िया क्यों पता नहीं, कमरे में क्यों अच्छा ये हालात बहुत ही खराब खराब है, ठंड बहुत ज्यादा वो यार मैं नहीं आ रहा वो ठंडा पानी। अनिल जी आए हैं हमारे साथ स्विमिंग कर रहे हैं यार मैं कैमरे चला नहीं यार यार नहीं हो जी। फाइनली ये बारिश रुक गई है, और अब जो है कि घर वालों को लेके निकल रहे हैं टल लेके। और ये
के हम डल लेके नेहरू पार्क के एरिया में, और यहाँ से जो है कि जो मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गार्ड्स हैं, और ये गार्ड नंबर 16, और यहाँ से चलते हैं शिकारे, और आप इनमें बैठ के जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं आगे डल लेक को और ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स को। बारिश की मौसम थोड़ा कंट्रोल में आया है और अब जो है फाइनली हम शिकारे पर आ गए। Thank you.